बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक ATS की जो पावर वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बताई थी कि वो किस तरह से होती है और उसको सही से खुलासा करके मैंने आपको बताई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको पावर वायरिंग सिखाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है सब चीज़ें बना देता हूँ, उस बनाने के बाद आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं और वायरिंग किस तरीके से होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें बना दी हैं बिना बाईपास के, मतलब इसके अंदर मैंने बाईपास सिस्टम नहीं रखा। पहले आप सिंपल ही ये सीख लें, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर बाईपास के लिए एक चेंज ओवर स्विच ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये MCB ब्रेकर बनाया है मैंने, जो मिनीचर सर्किट ब्रेकर होता है वो मैंने दो ले लिए हैं, और इसके ऊपर मैंने दो कॉन्टेक्टर ले लिए हैं, जो कि एक वापडा एक इलेक्ट्रिक का है और दूसरा वाला जो है वो जेनसेट का है, मतलब जनरेटर का है। और उसके ऊपर हमारा ये एक लोड का सेक्शन आ गया, जिसके अंदर आप लोड जो है कुछ भी चला सकते हैं, मतलब घर का लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सब चीज़ों के नाम लिख देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी कि कौन सी चीज़ किसके लिए यूज़ करी गई है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब चीज़ें ये मेंशन कर दी हैं कि कौन सी चीज़ मैंने किसके लिए यूज़ करी गई है। यहाँ पर ये MCB जो है मैं K-Electric या वापडा के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इससे ऊपर जो मैंने कॉन्टेक्टर बनाया है वो मैं K-Electric या वापडा के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बराबर में जो मैंने MCB बनाया है वो मैं जनरेटर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और इससे ऊपर जो कॉन्टेक्टर है वो मैं जनरेटर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे ऊपर जो मैंने लोड बनाया है वो किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इसकी वायरिंग जो है वो बनाने लगा हूँ। सिंपल सी वायरिंग है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास थ्री फेज है तो आप थ्री फेज बना लें, और अगर आपके पास सिंगल फेज है तो वो भी सिंगल फेज के लिए भी यही चीजें यूज होंगी। तो दोस्तों, यहां से जो है सबसे पहले K-Electric है या वापडा है, जो भी है आपके पास, तो वो सबसे पहले MCB में लगेंगी और MCB से कनेक्ट होके ये कॉन्टेक्टर में लग जाएंगी। यहाँ पर भी यही होगा कि यहाँ पर जनरेटर की वायरिंग लग जाएगी। अगर आपका जनरेटर थ्री फेज का है तो थ्री फेज की वायरिंग इसी तरह की से लग जाएगी, और इससे ऊपर जो है वो कॉन्टेक्टर के अंदर लग जाएगी। अब इसके आगे का क्या मरहला है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि फेज के जो है नाम होते हैं RYB, मतलब रेड येलो ब्लू, इस तरीके से वायरिंग होती है, और इन सब वायरिंग को जो है वो देखा जाता है कि रेड के साथ रेड ही जंप होगा, ब्लू के साथ ब्लू ही जंप होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दोनों कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर जो कॉमन जंप लगेंगे वो रेड के साथ रेड ही लगेगा, मतलब L1, L2, L3 जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है L1 को L1 से आपने कनेक्ट करना है, L2 को L2 से, और L3 को L3 से कनेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ लोग, कुछ दोस्त मेरे ये सोच रहे होंगे कि आपने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया है, अब इसका लोड कहाँ से निकालेंगे? तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि लोड जो है हमारा वो यहाँ से निकलेगा, मतलब इसको कॉमन कर दिया है, कॉमन करने के बाद आपने लोड भी इसी जगह से निकालना है। इस तरीके से आपने लोड देना है, L1 को L2 से शॉर्ट नहीं करना, L1 को L1 से ही करना है, और L2 को L2 से करके L2 के अंदर लोड लगाना है। ये तो सिंपल सी वायरिंग हो गई, मतलब जो कि ATS एक नॉर्मल होता है। हम यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं जो एक चेंज ओवर लगाता हूँ, अक्सर मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा,
जो कि ATS वाली वीडियो थी, उसके अंदर जो मैंने चेंज ओवर लगाया था वो क्यों लगाया था, उसका क्या पर्पस था। तो दोस्तों अगर हमारा ATS के अंदर अगर कोई मसला आ जाता है, कंट्रोल साइड पर आ जाता है, या हमारा कॉन्ट्रेक्टर वगैरह उड़ जाता है या खराब हो जाता है, उसकी कॉइल वगैरह खराब हो जाती है, तो हमारा जो लोड है, जो घर वगैरह है या फिर जो भी कुछ लोड है, वो जो है हमारा ब्लैक आउट हो जाएगा। उसके लिए हम लगाते हैं चेंज ओवर स्विच। चेंज ओवर स्विच से फायदा हमें ये होता है कि अगर हमारा कॉन्ट्रेक्टर भी जल गया कि इलेक्ट्रिक वाउडा साइड वाला, तो हम उसको स्विच करके अपना लोड बाईपास करके चला सकते हैं और फिर बाद में हम इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या खराबी हो गई। इस वजह से जो है हमारा लोड जो है वो बंद नहीं होगा। तो दोस्तों ये सिंपल सी वायरिंग हो गई। अब मैं इसके अंदर आपको एडिशन करूंगा एक चेंज ओवर स्विच का। तो यहाँ पर जो मैंने वायरिंग बनाई है, मैं इसको यहाँ पर से रिमूव कर लूंगा। अगर किसी भाई ने नोट नहीं करी तो वो मेरी वीडियो जो है वो देखकर नोट कर सकता है। मैं यहाँ से इसकी जो आउटगोइंग के जंप लगाए थे वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। इसके अंदर आपने एडिशन ये करना है कि यहाँ पर मेरा एक 102 का, आपने 102 जरूर लेना है, 102 का चेंज ओवर लेना है, जो कि वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, मतलब अगर मैं साइड से देखूं तो एक यहाँ पर कनेक्शन आ गया और एक यहाँ पर आ गया और एक हमारा यहाँ पर आ गया। ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई और हमारा ये लोड हो गया, ये हमारा लोड हो गया। अब इसको हमने इसके साथ कैसे अटैच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट बताया है, मतलब इसके पीछे भी जो है ना L1, L2, L3 या L4 भी होता है, मतलब न्यूट्रल का भी होता है। यहाँ पर भी इसी तरह से न्यूट्रल भी शामिल हो जाएगा। अगर ये आपका 3 पोल का कॉन्ट्रेक्टर है तो 3 पोल आप बना सकते हैं, अगर आपके पास 4 पोल का कॉन्ट्रेक्टर है तो आप इसको 4 पोल भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ से सिंगल लाइन डायग्राम बता देता हूँ कि किस तरीके से लगेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने पहले इसको कॉमन कर देता हूँ मैं, ये इसी तरीके से कॉमन होगा, दोनों पर्पस के लिए ये इसी तरीके से कॉमन होगा। तो दोस्तों ये जो जंप बनाए थे मैंने, इसको जो है मैं फर्स्ट पोजीशन पे लगा दूंगा, मतलब एक साथ नहीं लगाना, आपने अलग अलग पोल के ऊपर अलग अलग ही लगाना है, जो कि हमारा ये 2 पोजीशन था, 2 पोजीशन को मैं इसके यहां से शामिल कर लूंगा। ये 3 वायर जा रही है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पोल के पीछे पोल होता है, अलग अलग पोल के अंदर आपने इसको लगाना है। अच्छा, मैंने यहाँ से क्यों लगाया है कॉन्ट्रेक्टर से पहले, इस वजह से लगाया है अगर मेरा कॉन्ट्रेक्टर खराब हो गया तो वो MCB से जो है यहाँ से लाइन ले लेगा। अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पे करूंगा तो वो यहाँ से लोड चलकर इसकी फर्स्ट पोजीशन पर आएगा और लोड हमारा यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर इनकेस ये मसला आता है कि हमारा कॉन्ट्रेक्टर वगैरह कुछ भी खराब हो जाए, तो हम इसको यहाँ से लाइन दे देंगे और इसको 2 पोजीशन पे कर देंगे, तो हमारा लोड जो है वो ATS से बाईपास होता हुआ हमारे लोड पर शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज 3 फेज की वायरिंग। अगर आप सिंगल फेज में बनाना चाहते हैं तो सिंगल फेज के अंदर कुछ इतना बड़ा नहीं करना। मैंने यहाँ पर 3 फेज के लिए 3 फेज यूज करा है, आप इसमें से एक फेज नहीं यूज करेंगे ये वाला, सही है, और इसकी जगह एक L1 और एक न्यूट्रल लगा देंगे, सब चीजें यही रहेंगी। ये पहले 3 पोल का था, अब जो है सिंगल फेज के अंदर ये डबल पोल का हो जाएगा, मतलब इसके 2 पॉइंट होंगे और ये इतना हाफ होगा यहाँ पर से, ठीक है, ये पॉइंट हमारा नहीं होगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर तो असल में कम से कम 3 पोल का आता है, तो कॉन्ट्रेक्टर हमें वही यूज करना पड़ेगा और L3 पॉइंट को हम यहाँ से छोड़ देंगे, L3 पॉइंट को सिंगल फेज के अंदर हम छोड़ देंगे, तो 3 जो सिंगल फेज है वो इसी तरह से उठता हुआ यहाँ पर लोड पर आ जाएगा। जब लोड पर आएगा तो ये लोड वाला भी एक कनेक्शन हमारा कट जाएगा, ये वाला L3 वाला जो है ये कट जाएगा और हमारा न्यूट्रल निकल जाएगा यहाँ से और फेज निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 पोल यूज करा था, तो सिंगल फेज के अंदर हम यहाँ पर 2 पोल यूज करेंगे। 2 पोल यूज करने से फायदा ये होगा कि हमारे पास 2 पोल होंगे और 2 ही फेज होंगे, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वायरिंग जो है आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जो है इसकी वायरिंग जो है वो सिंगल लाइन डायग्राम में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसका पास पोर्शन जो है वो अलग। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक इनकमिंग बना लेता हूँ और यहाँ पर भी एक इनकमिंग बना लेता हूँ।
दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों इनकमिंग बना दी हैं, एक इनकमिंग जेनसेट और इनकमिंग वापडा या के इलेक्ट्रिक बना दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके नीचे जो है हम एक टीपीएमसीबी बनाएंगे, एमसीबी टीपी, यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको तीन डंडियां लगा दूंगा, तो देखें दोस्तों यहाँ पर मैंने एक टीपी बनाया है और एक यहाँ पर भी टीपी बनाया है। ये जनरेटर का टीपी है और ये जो है इलेक्ट्रिक का टीपी है। अब यहाँ पर मैंने जो तीन डंडियां जो बनाई हैं, यहाँ पर ये तीन डंडियां ये शो करती हैं कि ये थ्री फेस की लाइन है, इसको सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं। इसके बाद यहाँ से जो है मैंने एक कॉन्टेक्टर का बना दिया है कॉन्टेक्ट, और ये दोनों कॉन्टेक्टर इसी तरीके से आ गए हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक का आ गया है और यहाँ पर भी जो है जेनसेट का आ गया है। इन दोनों के बाद इस कॉन्टेक्टर को दोनों यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आपको बात बताता चलूं कि इसकी जब पावर वायरिंग बनती है उसके अंदर भी जो है एक इस तरीके से निशान बनता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ये यहाँ पर निशान इस वजह से बनता है कि हमने पावर के अंदर यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया। इसको शॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा से भाई धमाका हो रहा है। अब धमाके को रोकने के लिए हम ये निशान देते हैं यहाँ पर, कि ये निशान ये शो करता है कि ये दोनों आपस में इंटरलॉक हुए हुए हैं। इंटरलॉक मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको इंटरलॉक लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर आप ये समझ सकें कि भाई यहाँ पर जो है ये दोनों शॉर्ट नहीं हो रहे आपस में, ये इंटरलॉक है। इंटरलॉक का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्टेक्टर एक वक्त में एक ही ऑन होगा, या फिर इलेक्ट्रिक का ऑन होगा या जनरेटर का ऑन होगा। तो ये तकरीबन एक ATS की वायरिंग, पावर वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर एक एडिशन करूंगा जो कि चेंज ओवर स्विच का है। चेंज ओवर स्विच का कुछ निशान जो है इस तरीके से होता है, इसके अंदर तीन पॉइंट होते हैं और यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि ये चेंज ओवर स्विच है। ठीक है, अब लोड हमारा ATS से निकलकर एक पॉइंट पर आ जाता है जो कि वन पोजिशन होती है। हमेशा इसकी वन पोजीशन ऑटो पे दी जाती है ताकि ऑटो पर वन पोजीशन हो। ठीक है, अब जो दूसरी पोजीशन है वो मैं यहां से उठाऊंगा जो कि हमारा MCB है, MCB के बाद से उठाऊंगा और मैं इसके दूसरे वाले पॉइंट पर दे दूंगा जो कि यहां पर टू पोजीशन मेंशन करता है। अब यहां पर देने का मकसद ये है कि अगर मैं इसको वन पर करूं तो हमारा ऑटो सिस्टम चलेगा, अगर मैं इसको टू पर करूं तो यहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक या वापडा की जो लाइन आ रही है वो डायरेक्ट इस पर आ जाएगी और यहां से हमारा लोड बाहर आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसको चेंज ओवर स्विच को लगाते हैं कि अगर हमारा ATS के अंदर कोई मसला आ जाए तो हमारा डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक से लोड जो है वो चलता रहेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी पावर डायग्राम जो कि मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दी है, कि जिसको इस तरह समझ में आए वो इस तरह समझ ले, जिसको इस तरह समझ में आए वो इस तरह समझ ले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।